हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल कटअप 2024 के बारे में जानेंगे, यानी जो री एग्जाम हुआ था दोस्तों, उनका कटअप जो है कि कितना जाएगा। तो चलिए हम लोग विस्तार से देखते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी जो है कि परीक्षा में शामिल हुए थे, आखिर उनका कटअप कितना रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि पुरुष एससी एसटी और ओबीसी के लिए अपेक्षित कटअप के साथ देखेंगे कितना पासिंग मार्क्स जो है कि रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, यानी कितना नंबर आपका आएगा तो आप जो है कि पास हो सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि जो यूपी पुलिस की जो एग्ज़ाम हुई थी वो 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब जो है कि सभी जाति के लिए कितना कटअप रहने वाला है दोस्तों, आइए यहाँ पे देखते हैं विस्तार से। तो दोस्तों आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं कि कटअप न्यूनतम योग्यता अंक है जिन्हें आपको भर्ती प्रक्रिया में आगे ठीक है बढ़ने के लिए सुरक्षित करने की आवश्यकता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल कटअप अंक आयोग द्वारा कई कारकों जैसे परीक्षार्थियों की संख्या, उपलब्ध नौकरी की स्थिति और परीक्षा की कठिनाई स्तर को ध्यान में रखते हुए तय किए जाते हैं। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए सामान्य श्रेणी के लिए यूपी पुलिस की अपेक्षित कटअप 188 से 193 रहने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वहीं बात करें आपको ओबीसी वालों के लिए, तो ओबीसी श्रेणी में जितने भी अभ्यर्थी आते हैं उनके लिए जो है कि 173 से जो है कि 178 तक अंक लाना होगा। उसके बाद वहीं बात करें दोस्तों ठीक है एससी के लिए, तो 144 से 149 अंक तक लाना होगा। और बात करें एसटी के लिए तो 113 से 118 अंक तक होने का मतलब कि लाना होगा, तब आपका जो है कि कटअप क्वालिफाई हो पाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। देखिए दोस्तों, इसमें जो है कि थोड़ा 3 महीना बाद एग्ज़ाम हुआ था एग्ज़ाम, तो जो है कि कटअप थोड़ा हाई जाने का उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभ्यर्थी अधिक मात्रा में शामिल हुए थे। ठीक है, आई होप कि वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।